रास्ता भटक चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी सुबह के बज रहे हैं 6:24 और हम लोग आए थे सुबह की मॉर्निंग राइड पे। और आज हम लोगों के मॉर्निंग राइड पे हम लोगों की बाइक है जो कि है बॉबी राइड की। तो अभी हम लोग डेस्टिनेशन कर रखे हैं पीपे वाला पुल, तो चलते हैं यहाँ से जल्दी। फाइनली निकल दिए हैं और आगे के लिए जल्दी ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे हम लोग। फाइनली अभी हम लोग पक्का पुल पहुंच चुके हैं तीन लोग। बाकी पीछे का व्यू देख लीजिए, बहुत ज़्यादा प्यारा आ रहा है। फाइनली अभी हम लोग लखनऊ के पक्का पुल पे आ चुके हैं। बहुत ही तेज बॉबी भाई ने भगाया। बॉबी भाई कुछ कहना चाहेंगे अपनी राइडिंग के लिए? फाइनली यहाँ पे क्लॉक टावर है, यहीं पे कल परसों में मार्गदर्शन रोड आए थे। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रूमी गेट। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इमामबाड़ा पे, पर इसका गेट अभी बंद हो रखा है इसलिए अंदर नहीं जा सकते। जब खुलेगा तब अंदर जाएंगे। हम लोग रूमी गेट पहुंच चुके हैं और ये रहा रूमी गेट। बाकी आगे बताएंगे बॉबी भाई अब कहाँ चलना है। भाई आगे हम लोग चलेंगे घंटाघर, जो कि आपको सामने दिख रहा है, और ये रूमी गेट है। अभी इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है जो कि 2-3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ अच्छे से और एक्सप्लोर करेंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं जिसके कारण हम लोग फोटो वोटो ज़्यादा खींच नहीं पा रहे हैं। यहाँ पुलिस भी लगी रहती है हमेशा। अभी तो सुबह का टाइम है इसलिए कोई है नहीं। तो बाकी अभी हम लोग चलते हैं घंटाघर और फिर आपको आगे दिखाते हैं। बॉबी भाई आप अब कहाँ चलेंगे इससे आगे? अब हम भैया घंटाघर चलेंगे जो कि सामने दिख रहा है। हम लोग निकल दिए हैं घंटाघर के। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घंटाघर। यहीं पे हुआ था शो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का, अपने इंडिया का सबसे लंबा घंटाघर अपने लखनऊ में है। तो फाइनली बाइक लेके हम लोग आ गए हैं घंटाघर। ये देखिए, देख के सिर्फ एक ही गाना याद आता है, लंबा है मैडम लंबा, तेरी जान कसम ले लंबा। अभी भाई यहाँ पे स्क्वाड मारने वाले हैं। भाई एक स्क्वाड मार दो यार जरा एक। ये भाई घंटा घर पे ये देखिए। अभी हम लोग खोज रहे हैं कश्मीरी चाय, मिल जाए कश्मीरी चाय तो पीते उसका चलेंगे फिर घर। गाइस ये देखिए आगे हम लोग। फाइनली अभी हम लोग घंटाघर को बाय बाय कह के, ये रहा पिक्चर गैलरी ये देखिए, और बीच में यहाँ पे लाइट शो होता है रोज शाम को। तो गाइस यहीं पे कश्मीरी चाय मिलती है छोटा इमाम बाड़ा, उसी की खोज में मिल रहे हैं, देखते कहाँ मिलता है। आए थे कश्मीरी चाय की खोज में, यहाँ पे कश्मीरी चाय मिली नहीं, वहीं पे कॉर्नर था कश्मीरी चाय का। गाइस कंटेंट की कमी नहीं है हमारे पास, ये देखिए। कश्मीरी चाय की खोज में निकले थे पर कश्मीरी चाय तो मिली नहीं। अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं फिर से रूमी गेट पे, ही चाय मिलेगी और रूमी गेट पे ही चाय पियेंगे। फाइनली चाय के लिए हम लोग फिर से आ चुके हैं रूमी गेट। ये रहा इमामबाड़ा इधर, तो चाय पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं।
भाई कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? वहाँ पे देखो प्री वेडिंग शूट चल रही है, वो देखिए वहाँ पे। सो फाइनली हम लोगों की चाय मिल रही है धीरे धीरे करके हम लोगों को। तो फाइनली चाय मिल चुकी है, इसको पीते हैं फिर यहाँ से निकलते सीधे। तो आज की ट्रीट ही चाय की बॉबी भाई की तरफ से। के पैसे कहाँ से आ रहे? पैसे देखिए कहाँ से निकल रहे हैं, देखिए 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 पैसे कहाँ से निकल रहे हैं, देख लीजिए। बॉबी भाई कुछ और यहाँ के बारे में बताएंगे, तो बॉबी भाई कुछ बताइए जरा। यहाँ जितने भी कपल होते हैं वो अपनी प्री वेडिंग शूट के लिए सुबह सुबह यहाँ के लिए आते हैं। पहले तो फ्री में आते थे, आप देख सकते हैं, पहले तो फ्री में आते थे, अब पैसे भी लगते हैं, इसलिए संख्या थोड़ा कम हो गई है, लेकिन आना नहीं बंद हुआ। इसलिए बहुत सारे लोग थे, हम लोग ने देखा था, लोग आए थे तो बहुत दो चार कपल थे यहाँ। फाइनली यहाँ पे कुछ लिखा है जो जो यहाँ पे चीज बने, जैसे यहाँ पे छोटा इमामबाड़ा, जामा मस्जिद, सतखंडा और हुसैनाबाद बाबरी मस्जिद, देख लीजिए घंटाघर, हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक लिखा है यहाँ पे। तो भाई कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के बारे में, भाई कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि हम लोग का राज नहीं है यहाँ पे। ओहो, पहली चाय पी ली है, अब यहाँ से निकलते हैं सीधे घर के लिए। बहुत ज्यादा मजा आया यहाँ पे। और गाइज यहीं से ट्रेन पास होती है, आप लोग जानते तो होंगे नहीं, मैंने सोचा बता दूं आपको। बॉबी भाई बन रहे थे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट, तो रास्ता भूल गए हैं ये अपना शकल छुपाते हुए, और जो कि रास्ता वो आ रहा है। गाइज जहाँ से हम लोग आए गए थे वहीं से हम लोग फिर से वापस आ गए, हम लोग रास्ता भटक गए। तो गाइस ये है सीतापुर की नवीन मंडी, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, यहाँ पे सब्जी मिलते हैं। अच्छा तो पता नहीं होगा इसलिए। अच्छा तो गाइस ये है केंद्रीय विद्यालय, आपने तो देखा नहीं होगा, मैंने सोचा आपको बता दूं। ये देखिए गाइस हम लोग डेंजरस रास्ते से निकल चुके हैं, अभी अब डर चुका है, गाड़ी की स्पीड देख लीजिए बहुत ज्यादा कम की है। एक और बहुत बड़ा थैंक्स टू बॉबी यार, ये बेचारा लेके आया 50 नहीं भाई 100 यार। तो फाइनली अपने गली में आ चुके हैं, ये रहा सामने घर। बाकी बहुत ज़्यादा मजा आया इस राइड पे। तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं घर अब वापस। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी किसी जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।